श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। काशी में मेरे मित्र एक झवेरी थे, जौहरी, उन्होंने बताया कि उनके पास एक गांव का किसान मिट्टी से सने हुए एक पत्थर का टुकड़ा लेकर आया। चमक थी उसके भीतर, 20 रुपए में उन्होंने उसको खरीद लिया। उसकी सफाई हुई, घिसाई हुई, चमक गया, पॉलिश हुई, छिद्र हुआ। वो अंत में 2 लाख रुपए में बिका। ये कोई अब से 40 वर्ष पहले की बात है। तो ये जो प्रकृति में हमारे शरीर का जन्म होता है, ये माता के पूर्वजों की जो परंपरा होती है, नाना नानी, पिता की जो परंपरा होती है, दादा दादी, जीव के जो पूर्व जन्म होते हैं, और गर्भ में माता का जैसा मन होता है, जैसा उसका खान पान होता है, जैसी वृत्तियां होती हैं, उन सबके प्रभाव से प्रभावित होकर के ही बालक का जन्म होता है। इसमें जैसे हीरे में मिट्टी लगी होती है, ऐसे इसके साथ विकार लगे हुए होते हैं। संस्कार के द्वारा उन्हीं विकारों को दूर किया जाता है कि जिससे हीरे का उज्जवल स्वरूप जैसे चमक जाए, वैसे जीवात्मा का जो उज्जवल निर्मल स्वरूप है वो चमक जाए। इसके लिए दोषापनयन होता है, जो उसमें दोष लगे होते हैं उनको दूर किया जाता है। उसमें गुणाधान होता है, और जिस अंग की न्यूनता होती है उसको पूर्ण किया जाता है। तो दोषापनयन, गुणाधान और गुणांग पूर्ति, ये संस्कार होते हैं। जैसे हमारे बाल बेडौल उगते हैं तो हमको ठीक, रूखे हो तो चिकना बनाता है, कहीं न हो तो उनका आरोपण भी होता है। इसी प्रकार ये संस्कार मनुष्य के जीवन में जो चेतन सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि जो इस जीव के भीतर छिपा हुआ है, उसको प्रकट करने की एक प्रक्रिया है संस्कार। मुझे स्मरण है जब महामहोपाध्याय पंडित श्री लक्ष्मण शास्त्री जी महाराज ऋषि थे, जो महामहोपाध्याय श्री पंचानंद जी करकरत्न श्री चिन्न स्वामी जी महाराज नित्यानंद पंत बामाचरण भट्टाचार्य वृद्ध, एक दिन श्री लक्ष्मण शास्त्री जी के घर गया मैं। वहां तो बड़ा उत्सव हो रहा था, मंगलमय गीत गाए जा रहे थे, पंडित लोग थे, कर्मकांड हो रहा था। मैंने पूछा ये आज क्या है, तो राजेश्वर शास्त्री जी के चाचा थे, उन्होंने बताया कि आज
गर्भाधान संस्कार है। जैसे चौकी शुद्ध करके, आसन शुद्ध करके पवित्र आसन पर देवता को पधराया जाता है, वैसे माता के गर्भस्थान को शुद्ध करके, पीठ शुद्ध करके उसमें बालक को विराजमान किया जाता है। तो ये जो प्रकृति में स्वाभाविक विकार आते हैं, प्रकार प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जन्म, उनमें लगे होते हैं जन्म जन्म के संस्कार, और वे संस्कार विकार के रूप में ही आते हैं। उन विकारों को शुद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया है, वैदिकम गार्भिकम चैनः संस्कारेण व्यपोहते, जो बीजगत दोष होते हैं पिता की परंपरा से, और जो रजोगत दोष होते हैं, गार्भिक दोष होते हैं माता की परंपरा से, संस्कार के द्वारा उनको, उन विकारों को दूर किया जाता है। और मनु जी तो कहते हैं कि महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु, हम इस मनुष्य शरीर को संस्कारों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। ब्राह्मीयं क्रियते तनु, इस शरीर को भी ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य, शरीर को ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। तो जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है, बहुत पवित्रता आएगी, वो व्यक्ति का नहीं समाज का संस्कार होगा, और वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसमें क्या क्या अद्भुत आश्चर्यजनक हमारे जीवन को का निर्माण करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या विधि, क्या क्या मंत्र हैं, और हमारे जीवन को आधिदैविक जगत से जोड़कर हमारे जीवन में सूरज की शक्ति आवे, प्रकाश, हमारे जीवन में चंद्रमा की शक्ति आवे, आह्लाद, हम वरुण के समान आप लावन करता हो जाए, आप प्यायन करता हो जाए, और अग्नि के समान हम दुर्धर्ष तेजस्वी हो जाए, पृथ्वी के समान क्षमाशील हो जाए। ये जो प्रकृति में ईश्वरीय शक्तियां निहित हैं, वो हमारे जीवन में प्रकट हो, इसके लिए संस्कार किया जाता है।